हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट ट्रैक्टर और पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद सैयद। हम वैसे समय नया मूवी लेकर आए हैं। उसका सीन अनिल कपूर और अमरीश पुरी के बेस्ट डायलॉग्स लेकर आए हैं, हाउस मतलब अरेस्ट वाले। तो देखते हैं मैंने किस तरीके, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब तक का सेल्स टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ होगा बंसल साहब? कुबेर के खजाने में भी एक दिन में इतना धन नहीं आया होगा, 250 करोड़। फैंटास्टिक। ये सारा पैसा तुकाराम जैसे झोपड़पट्टी वालों के रोजगार योजना में लगा दीजिए। जैसी जिसकी काबिलियत, पैसा उसको काम। ग्रेट आइडिया सर। बंसल साहब, हमने जो लिस्ट बोली थी बनी? हाँ सर, ये पूरा पोथा बना है, जिला के हिसाब से, तालुका के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, कौन कौन बनाए करोड़पति सबके नाम है। ये वो है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, ये वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और ये वो है जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर 45,518 लोग हैं। सबको सस्पेंड कर दो। लेकिन सर, ये इतने सारे सस्पेंशन ऑर्डर्स पर साइन करते करते तो रात के 12 बज जाएंगे। तो एक ओमनीबस ऑर्डर जारी कर दो, इंटरनेट पे डाल दो, एग्जाम्स के रिजल्ट्स की तरह नोटिस बोर्ड पर चिपका दो। उनको सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर्स को ऑर्डर मैं दूंगा। लेकिन इनमें कुछ कलेक्टर्स के नाम भी हैं। उनके सस्पेंशन ऑर्डर पर आप साइन कर दीजिए। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट पर है तो उस पर दस्तखत मैं कर देता हूँ। सर 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 सर, मेरी सिर्फ जबान लंबी है, हाथ बिल्कुल साफ है सर। लेकिन इन लोगों को इस तरह की धांधलबाजी करने की हिम्मत कहाँ से आती है? मंत्रियों से सर, सब मिल बांट कर जो खाते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर शामिल हैं इसमें? कौन नहीं है? फूड, हाउसिंग, रेवेन्यू, फिनांस, पीडब्ल्यूडी, कुल मिलाकर 12 बागड़ बिल्ले हैं। इन बागड़ बिल्लों का क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो। हटिए हटिए, ये तो होना ही था। अरे वो देख, पुलिस आ गई। आपके 12 मिनिस्टर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत है मेरे पास। माफ करना, उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये साले कान के नीचे दूंगा, खींच के डमरू बन के घूमता फिरेगा। उनको बुलाइए। यस सर। कंपनी कम इन। मिलिट्री ऐसी जगह पे काम आती है। हाँ भाई, अगर किसी को हाथ लगाया तो हाथ काट के समंदर में फेंक दूंगा, समझा? नहीं, इतना आसान नहीं है। सारे जर्नलिस्ट देख रहे हैं, इनसे कहिए कि कोऑपरेट करें प्लीज। You may proceed. Punish them. दरवाजा तोड़ दो। ये क्या किया चौहान साहब? अरे जाना यार, दिमाग का वैसे था ही वो। इस एक दिन में ना तो मैंने कोई तीर मारा है, ना कोई सेवा की, सिर्फ वही किया जो एक चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। यही काम पिछले 5 सालों में अगर आपने किया होता तो हमारा स्टेट कहां से कहां पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा एक दिन पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अभी 5 मिनट बाकी है और एक आखिरी काम बाकी है। आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की असली जड़ आप हैं, उनके करप्शन में आपका अहम हिस्सा है, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपने लिस्ट में था ही नहीं। बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते,
एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ ब्योड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो। उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं, पर आप एक आम आदमी हैं। I have the power to arrest you. गिरफ्तार कर लीजिए। तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। ये जिस दिन बाहर निकलेगा पहले मुझे काटेगा। मजा दिया यार, 47,000 लोग इकट्ठे वो गांधी और बड़े जो उनके गुरु मुरु थे वो भी गए। अपने टाइम पे जब ये मूवी आई थी ना तो उस टाइम तो हमें पता है करप्शन वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा थी इंडिया में अगर देखा जाए। अभी तो बहुत कम हो गई है लेकिन उस समय ऐसी थी। तो ये फिर जो है ये करप्शन के खिलाफ किस तरीके से फिर उसने एक दिन सीएम बनकर कौन चाहता है ये वाली मीडिया ये मूवी फुल रैंक की जाए। एंटरटेनमेंट मूवी पे लेकर आए तो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत कमाल की मूवी है। सच में ये बहुत अच्छी मूवी है। अनिल कपूर और अमरीश पुरी का किरदार बहुत मस्त है, बहुत कमाल का। अलग अमरीश पुरी सर लेजेंड यार एक्टर थे, काश अभी भी होते। बहुत कमाल है, बहुत कमाल एक्टर थे, बहुत कमाल है, कोई शक नहीं है। इन जैसे एक्टर बहुत कम होते हैं यार। और ये मूवी जिस बेस पर बनाई गई है ना, बहुत अच्छा है। करप्शन और गुंडागर्दी और इस चीज पर आजकल बॉलीवुड ऐसी मूवी नहीं बना रहा, नहीं बना रहा यार। उस टाइम ऐसी मूवी ये बनाते थे यार, बिल्कुल छू जाती थी। ये रिमेक वाला कल्चर जब शुरू हुआ ना मजा खत्म हो गया। बॉलीवुड अभी रिमेक कोई नहीं देखता दरअसल, और मूवी पहले लोग देखते हैं हर किसी पर टाइम नहीं होता। अरे यार रिमेक भी बनाए ना तो ढंग की अगर हो ना मूवी रिमेक भी तब भी अच्छा लगता है यार। बंदा को फिर भी कहता है आपका लिस्ट चेक करने अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा कह रखे हैं।